कॉमेडी में सारे रिकॉर्ड तोड़ने आ रही है 2019 की ये 5 फिल्में। नंबर 2 का बजट 165 करोड़। नमस्कार, 2019 के शुरू में टोटल धमाल जैसी धमाकेदार कॉमेडी फिल्म ने दर्शकों को खूब हंसाया था। ये फिल्म दर्शकों के उम्मीदों पर खरी उतरे में सफल साबित हुई थी। टोटल धमाल के बाद 2019 के आखिरी में एक के बाद एक 5 बड़ी कॉमेडी फिल्में भी रिलीज होने वाली हैं। बता दें कि इनमें से 2 फिल्में अक्टूबर में, 2 फिल्में नवंबर में, बाकी एक फिल्म दिसंबर में रिलीज होगी। बता दें कि ये 5 ही फिल्में कॉमेडी के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। नंबर 4, मेड इन चाइना। इस फिल्म में राजकुमार राव को लीड रोल में दिखाया जाएगा, जबकि इनके अलावा इसमें मोनी राव, बोमन ईरानी, परेश रावल, अमायरा दस्तूर, गजराज राव और सुमित व्यास को देखा जाएगा। राजकुमार राव की ये फिल्म कॉमेडी से भरपूर है। बता दें कि ये फिल्म दिवाली पर रिलीज होने वाली है। वैसे इसी दिन एक और बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है, वो है हाउसफुल 4। नंबर 4, पति पत्नी और वो। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन, भूमि पडनेकर और अनन्या पांडे को अहम किरदार में देखा जाएगा। वैसे इस फिल्म के नाम से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में कितनी कॉमेडी होने वाली है। फिल्म में कॉमेडी के साथ साथ भरपूर रोमांस भी देखने को मिलेगा। कार्तिक आर्यन को इससे पहले लुका छुपी जैसी रोमांटिक फिल्मों में देखा गया था। लुका छुपी के बाद कार्तिक आर्यन की पति पत्नी और वो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। ये फिल्म 6 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। नंबर 3, बाला। आयुष्मान खुराना के साथ इस फिल्म में भूमि पडनेकर और यामी गौतम को भी देखा जाएगा। ये फिल्म सिनेमा घरों में 15 नवंबर को रिलीज होने वाली है। बता दें कि इस फिल्म में आयुष्मान खुराना बिना बाल के यानी गंजे के अवतार में नजर आएंगे। आयुष्मान खुराना ने अभी हाल ही में ड्रीम गर्ल जैसी कॉमेडी फिल्म दी है। ड्रीम गर्ल के तुरंत बाद उनकी एक और कॉमेडी फिल्म बाला भी रिलीज हो रही है। नंबर 2, हाउसफुल 4। दर्शकों ने जब से इस फिल्म का ट्रेलर देखा तभी से वो इस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे फिल्म दिवाली पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और बॉबी देओल जैसे दमदार कलाकार को देखा जाएगा। हाउसफुल सीरीज के पिछले 3 पार्ट से भी ज्यादा कॉमेडी इस पार्ट 4 कड़ी में देखने को मिलेगी। इस कॉमेडी फिल्म को बनाने में निर्माताओं ने 165 करोड़ की मोटी रकम लगाई है। नंबर 1, पागलपंती। एक से बढ़कर एक कॉमेडी फिल्म बनाने वाले अनीस बज्मी एक और बड़ी कॉमेडी फिल्म लेकर आ रहे हैं, वो भी एक बड़ी स्टार कास्ट के साथ। पागलपंती फिल्म में जॉन इब्राहिम, अनिल कपूर, अर्शद वारसी, पुलकित सम्राट, इलियाना डिक्रूजा, उर्वशी रौतेला और कृति खरबंदा समेत कई अन्य कलाकारों को भी देखा जाएगा। ये फिल्म 22 नवंबर को रिलीज होने वाली है।